प्रिय मित्रों, आज हम च्यवन ऋषि के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के जग में एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भृगु था। महर्षि भृगु ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी तभी उन्होंने एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस सूकर का रूप बनाकर उठाकर ले गया। पुलोमा रोती जाती थी, तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भ चवित हो गया जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वही महर्षि च्यवन हुए। भृगुपुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म निरत थे। वे सदा तपस्या में ही लीन रहते थे। तपस्या करते करते उनके ऊपर ऊपर दीमक लग गई और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए। केवल उनकी दो आँख ही दिखाई देती थी। एक दिन महाराज सरयाती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। उनकी पुत्री भी उनके साथ थी। महाराज सरयाती की पुत्री सुकन्या ने घूमते घूमते एक टीला को देखा। उसे उसमें जुगनू की तरह चमकती हुई दो आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन्हें दोनों आंखों में कांटा भोंक दिया, चुभो दिया। उनमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई और यह बात उसने किसी से नहीं बताई। इधर राजा की समस्त सेना का मल मूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा कि यहां पर भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा कि अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में दो जुगनू से चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभा दिया जिससे उसमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, यह मेरी कन्या सरल है, सीधी है, इससे जाने या अनजाने में जो अपराध बन गया है, अब जो मुझे जो भी आज्ञा दे उसका मैं सहर्ष पालन करूं। च्यवन मुनि बोले, राजन यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूं, आंखें भी मेरी फूट गई, अतः तुम इस कन्या को मेरी सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार कर लिया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रहती थी। साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मुझे युवा अवस्था प्रदान करो, इसके बदले में मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमार ने एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें स्नान करके ज्यों ही निकले तब सुकन्या को क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के तीन देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले हैं। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की और कहा कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए।
पहले तो ऋषियों को न पहचान कर कन्या पर क्रोध हुए। तब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताएंगे।